नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दिल्ली से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में गुरुवार सुबह बैटरी बनाने की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। सुबह करीब 4:30 बजे फैक्ट्री में आग लगने की कॉल मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गई। करीब 4 घंटे आग लगने के बाद जब फायरमैन आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक के बाद एक 3 धमाके हुए और बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। इस वजह से अंदर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और 3 सिविलियंस फंस गए। फैक्ट्री में ओकाया कंपनी की बैटरियां बनती थी। धमाका इतनी तेज था कि कुछ फायर कर्मचारियों को निकलने का मौका ही नहीं लगा। मलबे में 4 लोग बुरी तरह फंस गए, जिनमें से 3 फायरमैन और 1 फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड शामिल था। तुरंत NDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया। थोड़ी मशक्कत के बाद 2 फायरमैन और 1 सिविलियंस को मलबे से बाहर निकाला गया। हर बार की तरह इस बार भी घटना स्थल पर नेता पहुंचे और राजनीति शुरू हो गई। मनोज तिवारी ने इस हादसे का दोष दिल्ली सरकार के ऊपर मंड दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना में कुल 18 लोगों को चोट आई है, जिसमें 3 सिविलियंस और 15 फायर कर्मचारी मौजूद हैं। क्या ये सारा मामला? देखिए सच की रफ्तार की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, देश विदेश की तमाम खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी न्यूज की नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।